माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आज दोपहर 12:30 बजे कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी कर दिया गया है। इस वर्ष दोनों कक्षाओं में टॉपर छात्राओं की बजाय छात्र आए हैं। हालांकि ओवरऑल रिजल्ट में छात्राओं के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत अधिक है। कक्षा 12वीं में नारायण शर्मा ने 488 अंकों के साथ टॉप किया है। वहीं कक्षा 10वीं में इंदौर निवासी मृदुल पाल ने टॉप किया है। 10वीं में दूसरे नंबर पर प्राची अग्रवाल और तीसरे नंबर पर सीधी की प्रभा मिश्र आई हैं। 10वीं का रिजल्ट तो पिछले साल सुधार हुआ है, इसलिए मैं उसको अच्छा कहूँगा। और 12वीं का रिजल्ट जैसे मुझे पहले से लग रहा था कि भाई हमारे बच्चे जो जनरल प्रमोशन हमने किसी कारण से कोरोना के कारण से दबाव में उस समय निर्णय कर लिया था, वो हमारा निर्णय बच्चों की जीवन के साथ कोई बात नहीं उसके लिए तो ठीक था, लेकिन परीक्षा परिणाम के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ है और इसलिए 12वीं का परिणाम माइनस गया है, प्राइवेट स्कूल का भी और सरकारी स्कूल का भी। इसलिए मैं समझता हूँ कि कोरोना का वो फैक्टर इस साल के परीक्षा परिणाम को प्रभावित कर रहा है। देखिए पेपर आउट नहीं हुए, पेपर आउट होते तो बच्चे को अवसर मिलता और ये परीक्षा परिणाम 75 से 80 जितना प्रोपोगंडा किया गया था वहाँ पर मिलता अवसर तो 80% पे जाता। इसलिए मेरा सभी भी कहा था कि पेपर आउट नहीं हुए केवल भ्रम पैदा करने के लिए रात में व्हाट्सएप पर फर्जी रसीदें खरीदने की बेचने की जारी की गई है। वो इस साल के प्रश्न पत्र नहीं थे, उनके कोड नंबर अलग थे। हम रात को 1-1, 2-2 बजे मिलान करते थे, वो कोड जिस दिन अगले दिन वाला जो कोड नंबर था वो आता ही नहीं था। इसलिए हमने कहा पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट नहीं है, वो केवल भ्रम पैदा करने की कोशिश की थी। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र मालिक के साथ हेमंत मालिक की रिपोर्ट।